यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यानी गायत्री अब सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। इसके साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला चित्रकूट की महिला से गैंगरेप और उसकी बेटी के साथ रेप के प्रयास में दोषी ठहराए जाने के बाद सुनाया है। सजा सुनते ही गायत्री प्रसाद फूट फूट कर रोने लगा। वहीं मामले में आरोपी गायत्री के दोनों साथियों आशीष शुक्ल और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा मिली है। तीनों दोषियों को जेल से लाकर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय के सामने पेश किया गया है। बता दें कि 10 नवंबर को ही तीनों को दोषी ठहराया गया था। नाबालिग से रेप की कोशिश में दोषियों पर पॉक्सो एक्ट भी लगा था। पॉक्सो एक्ट में अधिकतम सजा के लिए उम्र कैद या मृत्यु दंड का प्रावधान है। गायत्री प्रजापति 15 मार्च 2017 से जेल में ही है। एक केस की 2 FIR, 1 164 दो में पढ़ा जाएगा। ये कानून है, ये हमारे जज साहब ने नहीं देखा। और मूल FIR फोटो कॉपी है। हमको FIR की कॉपी जो FIR हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में जो दी गई है तहरीर, वो तहरीर नहीं है जज साहब। जज साहब उसको नहीं देखे। सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीर है अगर FIR उस पर होनी चाहिए। यहाँ FIR बदल कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कराया है। अगर ये सरकार, मैं फिर कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, कि देखा जाए जो है अदालत देखे। उच्च अदालत से मेरा निवेदन है कि दो दोनों FIR, एक गोमती नगर 1330/16 है, उस 1330/16 में मुझे मुलजिम में नामजद नहीं था। 29/17 में FIR हुई, हमारी बेल हुई, जमानत हुई। 25/4/2017 को मेरी बेल होती है, इसी कोर्ट से होती है, पास्को कोर्ट से। मुझे जो है रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, मौजूदा राजनीतिक साहब, तुरंत जाकर के हाई कोर्ट से स्टे करा दिया गया। और 25 को ही बेल हो रही है, 25 को ही हमारे 164 इस मुकदमे का, कि जज साहब बताएं इस मुकदमे में 164 सील रहता है। 164 सील था, उस 164 कैसे चला गया और जाके दूसरे मुकदमे में 164 में मुझे वहाँ मुलजिम बना करके, और मुझे रातों रात 3 मुकदमे मेरे ऊपर लाद दिया गया। सुबह मुझे ला करके यहाँ पर रिमांड ले लिया गया। मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन जिस तरीके से बर्बाद किया, मेरे बच्चों का, मेरे 2 बेटियों की शादी नहीं हुई, 2 बेटियों की मैं शादी नहीं कर पाया, 2 बार बेल हुई, मैं व्हील चेयर पर चल रहा हूँ, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया जा रहा है, मुझे इलाज नहीं कराने दिया। हाई कोर्ट से मुझे बेल 2 महीने के लिए हुई, वो बेल भी जो है निरस्त करा दी गई, सरकार चली गई। उसके अलावा भी दो बेलें छोटे मुकदमे में जिन लोगों ने साजिश रची उन्हीं लोगों के द्वारा की गई, 2 मुकदमे करा करके फिर हमको जेल में रख दिया गया। आज उसकी भी, उस बेल के भी स्टे सरकार उत्तर प्रदेश जाकर कर रही है। पूर्व मंत्री अशोक तिवारी, लेखपाल आशीष शुक्ला जज पब्लिक एकेडमी थे, इनको माननीय न्यायालय ने 376D में आजीवन कारावास से दंडित किया है। पास्को एक्ट में 2019 के बाद फांसी की सजा आई थी या दंड आया था, लेकिन हमारे मुकदमे प्रभावी नहीं होता क्योंकि 2017 में हमारा चार्ज बन चुका था। इसलिए जो मैक्सिमम ने सेंटेंस दिया है आजीवन तीनों मुलजिमों को दिया है, और हर मुलजिम के ऊपर 2 लाख का अर्थदंड दिया है, जो पीड़िता की 3 पुत्रियां नाबालिग उनको पड़ेगा। पास्को एक्ट में हमारे खिलाफ 5G/6 हुआ था, 5G/6 लेकिन जो अमेंडमेंट आया था, मतलब जो उसमें संशोधन किया गया था, वो 2019 में किया गया था। हमारा मुकदमा 2017 का है, उस मुकदमे के अनुसार हमारे खिलाफ पास्को की वो धारा के खिलाफ हमको दंड नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्होंने 376 में मैक्सिमम दंड दिया था। उस धारा में अगर दंड देते, एक धारा में 2 दंड नहीं दे सकते थे, उस धारा में उस वक्त हमारे पर चार्ज बना नहीं था, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, और एक बार हमारी इतनी सुन ली जाए, इस मुकदमे में जो आरोप बनाया गया था, आगे हम अपील करेंगे। अपील का मेन ग्राउंड ये है कि न्यायालय ने, परीक्षण न्यायालय ने इस बात को नहीं देखा कि अगर 7 मुलजिम थे, 3 को आपने बरी किया, 4 मुलजिमों पे पासपोर्ट एक का सेम चार्ज बना था, आपने ये कैसे डिसाइड किया कौन से मुलजिम पे क्या चार्ज बना। अखिलेश यादव जी ने हर संभव कोशिश की थी कि मुलायम सिंह जी के दुलारे गायत्री प्रजापति को कैसे बचाया जा सके। FIR तक लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था पीड़िता के परिवार को, पीड़िता को, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई और बलात्कारी गायत्री प्रसाद प्रजापति को अब उम्र कैद की सजा हुई है। एक एक करके समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मंत्री रहे आज जेल की सलाखों के पीछे है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के पाप की सजा
उनको मिल रही है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।